भारत का सबसे प्राचीन व मशहूर चेती मेला जो कि उज्जैनी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है को लेकर मेला पूर्वजों पांडा वंशजों में आपसी खींचातानी एक बार फिर सड़कों पर आने से अगले माह से शुरू होने जा रहे चेती मेले पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। उक्त मेले की संयोजक वंदना अग्निहोत्री ने सूबे की सरकार से मांग की है कि चेती मेले का सरकारीकरण किया जाए। इस मेले के दौरान बड़े पैमाने में धन संपदा हड़पने वालों पर अंकुश लग सके। इसके संबंध में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि यदि मेले का सरकारीकरण नहीं हुआ तो वह देवी की वंशज होने की लाज न रखते हुए धरने पर बैठने को बाध्य होंगी। उनका आरोप है कि उक्त चढ़ावा को और मेले में लगने वाली हजारों दुकानों व झूलों की इनकम को हमारे पूर्वजों के कुछ वंशज हड़प कर जाते हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं मेला संयोजक वंदना अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि यदि उक्त मेले का सरकारीकरण नहीं हुआ तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट। 100 साल बाद चैलेंज करें कि आपका हिस्सा ही नहीं है। 38 सीधा सीधा जो ये तो जो बढ़ता चला रहा है उसे आपसे बनता है, उन लोगों कैसे बनता है जो बाकी पार्टनर हो कैसे बनता है? गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी, विकास अग्निहोत्री और मैं वंदना अग्निहोत्री। मैं तो सीधे धरने पर बैठूंगी। जो अब तक विकास अग्निहोत्री बैठते थे वो धमकी देते थे मैं बैठूंगी, लेकिन अब मैं बैठूंगी। आप कब से मतलब इस वर्ष से जो अप्रैल आने वाला है उसमें जो है सरकारीकरण की मांग कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर? मैं पिछले साल भी हम लोगों का था, लेकिन हम लोगों में कम्प्रोमाइज हो गया था।